अगला वीडियो मेरे कोविड एक्सपीरियंस से रिलेटेड था। आज का वीडियो कोविड का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, इसके बारे में है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल यानी कि एनोस्मिया के मैकेनिज्म और एनोस्मिया कोविड के अलावा और कौन से डिसीजेस में, कौन सी कंडीशंस में हो सकता है, इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल सिर्फ कोविड में ही हो सकता है ऐसा नहीं है। कोविड के अलावा कुछ और भी डिसीजेस है, जैसे कि कॉमन कोल्ड यानी कि सिंपल हमें जो जुकाम होता है उसमें भी हो सकता है। दूसरा है साइनस इन्फेक्शन यानी कि हमारी ये जो हड्डी होती है यहाँ की उसमें कुछ कैविटी होती है और यहाँ की हड्डी में भी कुछ कैविटी होती है। उस कैविटी में जब इन्फेक्शन लग जाता है तो उसे साइनोसाइटिस बोला जाता है। ये साइनोसाइटिस की बीमारी में भी हमें लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है क्योंकि ये जो डिसीज है वो हमारे नाक से और नाक की जो टिश्यू होती है उससे रिलेटेड होता है। तो अब मैं आपको एनोस्मिया की मैकेनिज्म क्या होती है, क्यों हमें कुछ चीज़ों की स्मेल नहीं आती है, क्यों हमें टेस्ट नहीं आता है, इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें टेस्ट क्यों आता है ये जानना बहुत जरूरी है। जो हमारी जीभ होती है उसके ऊपर कुछ टेस्ट बड्स होते हैं और टेस्ट बड्स के कुछ ऐसे सेल्स हैं जो टेस्ट की जो सेंसेस होती है उसे हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं। हमारे नाक के अंदर की जो चमड़ी होती है उसके फर्स्ट लेयर को एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है और नाक के एपिथेलियम को ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम बोलते हैं। ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम के कुछ सेल्स इस तरह से काम करते हैं कि जब हम कुछ स्मेल करते हैं तो वो जो स्मेल होती है उसके सेंसर्स ये एपिथेलियम के सेल्स में होती है। तो उस स्मेल के जो सिग्नल्स होते हैं वो एपिथेलियम के सेल्स हमारे ब्रेन के साथ जो सेल्स जुड़े होते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। तो हमें किसी भी चीज की स्मेल ठीक से आने के लिए दो चीज सही होनी चाहिए, वो है ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम और दूसरा है हमारे न्यूरॉन्स। जो हमारी सेंस होती है स्मेल की उसे हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं और ब्रेन से वो सिग्नल्स वापस लाते हैं ताकि हमें पता चले ये इस चीज की स्मेल है। कुछ रिसर्चेस अभी भी चल रहे हैं कि हमारे एपिथेलियम में डैमेज होने की वजह से हमें स्मेल नहीं आ रही है या फिर हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें डैमेज होने की वजह से हमारी स्मेल चली जाती है। तो अगर न्यूरॉन्स में वो डैमेज होता तो थोड़ी सी स्मेल कम हो जाती या फिर बहुत ज़्यादा स्मेल आती, ये सब चीज़ें भी हो सकती थी या फिर और कोई सीवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ सर्वे के हिसाब से जो पेशेंट्स की स्मेल और टेस्ट दोनों चले गए हैं उनको स्मेल और टेस्ट की वापसी में भी कोई इतने सीवियर या फिर ऐसे कोई डेंजरस सिम्टम्स नहीं है, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ हमारी एपिथेलियम डैमेज होने की वजह से हमारे टेस्ट और स्मेल चले जाते हैं। अब मैं बताऊंगी कि लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक हमें कुछ भी चीज़ की स्मेल और टेस्ट नहीं आते हैं। मुझे तो 3 से 4 दिन तक कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल था, लेकिन दूसरे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें 4 वीक भी लग सकते हैं और 4 महीने भी लग सकते हैं टेस्ट और स्मेल वापस लाने में। वो हमारे इम्यूनिटी पर भी डिपेंड करता है और हमारे एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो कितने डैमेज हुए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारे न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है। टेस्ट और स्मेल चले जाना ये कोविड का एक सिम्टम बताया गया है और कुछ रिसर्चेस के हिसाब से, कुछ सर्वे के हिसाब से ये भी बताया गया है कि कोविड के जो बहुत ही माइल्ड केसेस होते हैं जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है उनमें टेस्ट और स्मेल चले जाते हैं। यानी कि जिनके टेस्ट और स्मेल चले गए हैं उनको पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए तो टेस्ट और स्मेल अपने आप ही वापस आ जाते हैं। और दूसरा है कि हमें स्टीम लेनी चाहिए दिन में 3 से 4 बार, क्योंकि स्टीम लेने की वजह से हमारे एपिथेलियम में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है और हमारी एपिथेलियम की इम्यूनिटी अच्छी रहती है और वो डिसीज़ को फाइट करने में हेल्प करती है। इस तरह से कुछ होम रेमेडीज से ही हम अपने टेस्ट और स्मेल वापस ला सकते हैं और टेस्ट और स्मेल अगर चले जाते हैं तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई डेंजरस सिम्टम नहीं है। तो ये सब था टेस्ट और स्मेल क्यों चले जाते हैं, कैसे वापस लाने हैं और कौन सी बीमारी है जिसमें हमें टेस्ट और स्मेल चले जा सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है अपनी डिजीज़ के बारे में या फिर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।